पाकिस्तान, मुझे बाबर की नंबर वन नहीं चाहिए, मुझे पाकिस्तान ऊपर चाहिए। यार आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है या इंडिविजुअल से मोहब्बत है? आप मुझे बताएं ना, अभी मेरी लाइकिंग में विराट कोहली से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है इस एरा के अंदर, ठीक है? मैं उसको एज अ प्लेयर रेट करता हूं, मैं एज अ इंडिया रेट नहीं करता। करेंगे विराट कोहली दबाव का शिकार है, और कुछ इंडियन के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि विराट कोहली को बिठा देना चाहिए, लेकिन आपको शायद ज्यादा पता है। नहीं नहीं, मैं भाई पब्लिक वोट पे अगर बैठ रहे होते तो भी सिलेक्टर ना होते ना बीच में, पब्लिक पूल पे अगर चीजें हो रही होती तो भी सिलेक्टर का काम ही नहीं है। देखिए मैं इस बात का जवाब तो वो सिलेक्टर चेतन शर्मा और राहुल द्रविड़ दे सकते हैं कि हम उनको क्यों कैरी कर रहे हैं, ठीक है? दूसरी बात ये कि विराट कोहली की अगर फॉर्म नहीं है तो ये बताइए जो 35 रन विराट कोहली के निकालते हैं, आप जीत रहा था पाकिस्तान से क्या? नहीं लेकिन बात ये ना, मुझे ये तजाद समझ में नहीं आता ना। अगर बाबर रन करता है आपको समझ में, आपको मसला है क्या? बाबर चलना चाहिए, बताएं बाबर से मसला। मैंने तो ये कहा ही नहीं ना कि वो नीचे आ जाए। अब मैं दूसरी तरफ बात कर रहा हूं, बाबर से क्या मसला है? बाबर से मसला क्या है भाई? बाबर की कप्तानी से मसला है, जिस स्टैंडर्ड की वो क्रिकेट खेल रहा है वो मैच नहीं करता। बाबर कप्तान नहीं होगा तो आपको कबूल है टीम में? नहीं, तो एज अ टूल वो काम करे। मैंने हमेशा कहा कि वो एज अ टूल चल सकता है टीम के अंदर, और अपने आपको नीचे लेकर आए, क्योंकि अब ये बात की जा रही है बाबर को कि यार वो 6 के एवरेज से नहीं चल सकते आप टी20 के।